हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा जियो फाइबर रिचार्ज कैसे करें 2024 में। हाउ टू रिचार्ज जियो फाइबर, रिचार्ज जियो फाइबर के बारे में। जियो फाइबर का रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ आपको सर्च करना है माई जियो। जैसे आप माई जियो सर्च करो, यहाँ पर आपको माई जियो का ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो आपको जिस भी मोबाइल नंबर से आपने जियो फाइबर को कनेक्ट किया है उससे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर देने के बाद आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेलीकॉम, तो आपको टेलीकॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेलीकॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा। अभी हमें जियो फाइबर का रिचार्ज करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने में आता है फाइबर एंड एयर फाइबर, तो आपको फाइबर एंड एयर फाइबर पर क्लिक करना है। इसे आप फाइबर एंड एयर फाइबर पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखते हैं हमारा जो प्लान है यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पे आपका जियो फाइबर नंबर शो करेगा, ठीक है। प्लान दे सकते हो नो एक्टिव प्लान। तो जियो फाइबर का रिचार्ज करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है रिचार्ज, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से रिचार्ज कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी फ्रेंड का, फैमिली मेंबर का रिचार्ज करना चाहते हो तो आप यहां से रिचार्ज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है। आप मोर पे क्लिक करोगे, यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा रिचार्ज, और एक ऑप्शन देखा है रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड। तो यहां से आप अपना फ्रेंड का रिचार्ज कर सकते हो, फैमिली मेम्बर का रिचार्ज कर सकते हो। तो अभी मुझे अपना रिचार्ज करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिचार्ज, तो आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर टैप करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो जियो फाइबर का रिचार्ज करने के लिए आपको प्लान सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिकमेंड करेगा प्लान, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अभी एक मंथ का रिचार्ज करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरफ स्लाइड कर देना है, ठीक है। इसे आप स्लाइड करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने में आता है, क्वार्टरली, IST, मंथली। तो मुझे मंथली करना है 30 डेज़ के लिए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ मंथली। जैसे आप मंथली वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा प्लान देखने को मिल जाता है। अगर आपको 150 Mbps वाला चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, 100 Mbps वाला सिलेक्ट कर सकते हो, 30 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps। तो मुझे 30 Mbps वाला प्लान लेना है, बाय करना है। तो मैं यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। ऐसे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा रिचार्ज। तो यहाँ आप लेते हो 399 शो करा है, प्लस GST लगने वाला है। वैलिडिटी होता है 30 डेज, डाटा होता है अनलिमिटेड 30 Mbps। देन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिचार्ज, तो आपको रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे आप रिचार्ज वाले ऑप्शन पर टैप करोगे, तो यहाँ पर आपको लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर जाएगा, पेमेंट अमाउंट पेबल 470.82 पैसा, 399 प्लस, और यहाँ पे 71 रुपीज़ यहाँ पे इन लोग GST के नाम पे लूट रहे हैं, ठीक है। तो आपको 71 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना हुआ है GST के नाम पे। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने में मिलता है UPI, ठीक है, पे बाय UPI है। तो आप अपना पेमेंट UPI से कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके फ़ोन पे है उससे कर सकते हैं। नहीं तो आप रिचार्ज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड से भी कर सकते हो। हाउ डू यू वांट टू पे, वॉलेट, SMPL। तो मेरे पास फ़ोन पे है, मैं यहाँ पे UPI पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन पे सिलेक्ट करने के लिए आपको इस सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसे सर्कल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा पे विया फ़ोन पे, तो आपको पे विया फ़ोन पे क्लिक करना है। ऐसे पे विया फ़ोन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा योर पेमेंट इज़ बीन प्रोसीडेड, प्लीज़ होल्ड, इट मे टेक अप टू 30 मिनट। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा टोटल पेबल 470.82 पैसा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका बैंक अकाउंट नेम शो करेगा। फ़ोन पे के लिए पे, तो आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐसे पे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना UPI पिन एंटर कर लेना है। सो फ्रेंड, हमने अमाउंट पे कर दिया, यहाँ पे आपको शो कर जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। देन आपके सामने कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा और आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, इसी तरीके से आप जियो फाइबर का रिचार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको शो करेगा रिचार्ज ऑफ 470 इज सक्सेसफुल। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा और आपका बैक हो जाएगा। मैं आपको एसएमएस पे ले जाता हूँ, मुझे मैसेज आ चुका है कि मेरा रिचार्ज हो चुका है। मैसेज भी दिखा देता हूँ, हमारा मैसेज आ चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। डियर कस्टमर, रिचार्ज ऑफ 470 इज सक्सेसफुल फॉर योर जियो फाइबर नंबर, अनलिमिटेड डाटा, 30 Mbps, अनलिमिटेड वॉइस, वैलिडिटी होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 30 डेज। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे आप जियो फाइबर का रिचार्ज कर सकते हो 2024 में माई जियो ऐप से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा यूज़र नेम है शेख जवाद अली। सबसे पहले आपको मुझे फॉलो करना है, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करने का ट्राई करूँगा। सो 80% को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।